नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र का सियासी घमासान दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। कुर्सी पाने के लिए उद्धव ठाकरे हैं जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे वो राज्य में अपनी सरकार बना लें। विलंब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी की ओर से हो रही है। जी हाँ, शरद पवार चाहते हैं कि गठबंधन में कांग्रेस शामिल हो, लेकिन कांग्रेस है जो राज्य में सरकार बनाने से डर रही है। ऐसे में क्या शिवसेना की कट्टर हिंदुवादी छवि से डरती है माँ बेटी की जोड़ी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 3 हफ्तों से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार का कहीं नामो निशान नहीं है। कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार उद्धव ठाकरे हैं, जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे राज्य में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार बना ले। क्योंकि अगर उनके राज तिलक पर नारायण राणे का ग्रहण लग गया तो एक बार फिर उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से विलंब पर विलंब हो रहा है और उसके पीछे की वजह है माँ बेटे का डर। कांग्रेस के पास एक तरफ जहां महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार बनाने का लालच है, तो दूसरी तरफ अपनी विचारधारा के साथ समझौता करने की बड़ी मजबूरी भी है। असल में शुरुआत से ही शिवसेना की कट्टर हिंदुवादी छवि रही है और एक ऐसी पार्टी है जिसने खुलकर बाबरी कांड की जिम्मेदारी ली, जिसने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का समर्थन किया, जो खुलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद भी कर चुकी है, जिसकी मुस्लिम विरोधी छवि भी रही और जो खुलकर गांधी परिवार पर हमले भी करती आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जहां सोनिया गांधी के इटालियन मूल को खूब उछाला गया, तो वहीं राहुल गांधी को बेवकूफ से लेकर बहुत कुछ कहा गया। ऐसे में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ जाने से कतरा रही है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायक शिवसेना के संग सरकार बनाने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान को इस बात का डर है कि कहीं बाकी राज्यों में उसका वोट बैंक न खिसक जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि शिवसेना को अपनी कट्टर हिंदुवादी छवि में सुधार करने के लिए मना लिया गया है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, उसके तहत शिवसेना को हर शर्त माननी पड़ेगी। उन्हीं में से एक है शिक्षा में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देना। हालांकि एक वक्त वो भी था जब यही शिवसेना मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने से चूकती नहीं थी। कुछ भी कहें, महाराष्ट्र का सियासी घमासान दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे हैं जो सरकार बनाने को लेकर उतावले हो रखे हैं, तो वहीं मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं जो शिवसेना के साथ जाने से हिचकिचा रहे हैं। तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एनसीपी को यानी कि शरद पवार को शिवसेना के साथ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो भला कांग्रेस को क्यों हो रही है? तो आपको बता दें तो एनसीपी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, लेकिन कांग्रेस ना सिर्फ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है बल्कि उसका वर्चस्व पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसे में एनसीपी के पास तो ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।